रहे हैं तो आज पूरा दिल्ली की नतमस्तक। नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। पहले तो यूपी वाले योगी ही मोदी को आंख दिखा रहे थे और अब तो मध्य प्रदेश की सत्ता से बेइज्जत करके धकियाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी मोदी के खिलाफ बगावत का खुला ऐलान कर दिया। सीधी बात, आप हमारे दम से दिल्ली के प्रधान की कुर्सी पर बैठे हो, हम आपकी वजह से ना मुख्यमंत्री बने और ना केंद्र में मंत्री, जानते तो पहले भी थे। पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा लगता है जब मुख्यमंत्री ने तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और इनका नाम है कार्तिकेय चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को एमपी छोड़कर हर राज्य में नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश में तो बर्बाद ही हो गए। कहा जा रहा है कि यह जीत नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं, शिवराज सिंह चौहान का कमाल खुद है। शिवराज सिंह चौहान ने अकेले दम पर विदेश से 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यहां तक कि कमलनाथ के गढ़ में घुसकर छिंदवाड़ा तक की सीट छीन ली। जमीन तक चर्चा है कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने में शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं और सक्रियताओं की बड़ी भूमिका रही है। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर शिवराज सिंह चौहान है, मोदी नहीं, क्योंकि राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। तो इसी जीत पर शिवराज के बेटे का लगातार बधोनी को सभा को संबोधित कर रहे थे और वो बोल गए कि शिवराज को ठिकाने लगाने का सपना देखने वाले लोग भी आज उनके सामने झुके हुए हैं। आज कल ऐसा क्यों लगता है, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो ज्यादा लोग पूरी हो गए और अब पृथक जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली की लगातार लाइन लग गई। इसके पीछे सीधा संदेश और चुनावी लगातार चुनौती है। तो आपको बता दें, भाजपा को संदेश और नरेंद्र मोदी को चुनौती की आपकी हैसियत हमने उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर बंगाल महाराष्ट्र तक देख ली और हमने मध्य प्रदेश में अपनी हैसियत दिखा दी। तो आइए लगातार आपको बता दें, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, सम्मान करता है। ये जो लाइन है कि आज पूरी दिल्ली को शिवराज सिंह को जानना पड़ा और सम्मान करना पड़ा, बहुत कुछ कह देती है। क्योंकि आप जानते ही होंगे, मोदी ने शिवराज सिंह को नीचा दिखाने में, उन्हें बेइज्जत करने में, उनकी राजनीति को खत्म करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको याद हो तो जब मोदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत की थी तो भोपाल की सभा से मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिवराज सिंह की तस्वीर तक हटा दी गई थी। नरेंद्र मोदी ने अपने दिग्गज मुख्यमंत्री का पूरे भाषण में जिक्र तक नहीं किया और उनकी सारी योजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी थी। शिवराज को लगता था कि अगर राज्य की सत्ता में भाजपा की वापसी होती है तो उन्हें इसका श्रेय भी मिलेगा और हिस्सा भी मिलेगा, इसलिए वो जुटे रहे और ऐतिहासिक बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता में वापस ले आए। विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। 230 में से 163 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की, लेकिन ऐसे अपार बहुमत के बावजूद उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया और मोदी शाह की जोड़ी ने एक नए नवेले अनजान ऐसी कठपुतली सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन यह शिवराज की अपनी ताकत और अपनी साख है कि वो फिर से फिनिक्स पंछी की तरह उठकर खड़े हो गए और इतने तन कर खड़े हो गए कि कार्तिक चौहान के मुताबिक दिल्ली को झुककर सलाम करना पड़ रहा है। दिल्ली क्या कश्मीर लेकर तुम्हारी अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में जाती है तो हमारे नेता अगर शिवराज की जाती है। शब्दों पर गौर की, आपने सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो शिवराज की, इस शब्दों में आप गिनती करो। जरा ध्यान से सुनिए और सबसे बड़े नेता पर भी गौर कीजिए। अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में गिनती की जाती है तो हमारे नेता शिवराज की जाती है। क्या यह सिर्फ एक टिप्पणी है या फिर एक ठोस चुनौती है? भाजपा के अंदर भी खुसुर फुसुर तेज है कि मोदी के खिलाफ खेला हो गया क्या? और ऐसा भी नहीं कि यह खेला शिवराज अकेले खेल रहे थे, उनके पीछे संघ की पूरी ताकत है और साथ में मध्य प्रदेश भाजपा की ताकत है। उनके जरिए नरेंद्र मोदी को मौजूदा भाजपा में उनकी हैसियत बताई गई है। संघ की तरफ से आज पूरा दिल्ली के देखिए कि भारत का कृषि मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान चाहते तो हवाई जहाज से भी दिल्ली से भोपाल जा सकते थे, लेकिन वो मझे हुए राजनेता है और बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने रेलगाड़ी संगठन पर आज भी उनकी मजबूत पकड़ है। मोदी शाह लाख चाहने के बाद भी इसे हिला नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि जहां जहां शताब्दी एक्सप्रेस रुकी, हजारों कार्यकर्ता प्लेटफॉर्म पर शिवराज का स्वागत करने पहुंचे, मीडिया मैनेजमेंट में उनका जवाब तो ही नहीं।
नतीजा ये हुआ कि अगले दिन हर अखबार में शिवराज के स्वागत की खबरें फ्रंट पेज पर छपी। भोपाल में बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ बिना कुछ कहे शिवराज सिंह ने सीएम से पीएम तक को संदेश भेजा कि मेरी पारी अभी समाप्त नहीं हुई है और अपनी नेताओं की पारी अंगूठे से समाप्त करने की हैसियत नहीं है। आपके गौर कीजिए कि कार्तिकेय चौहान ने सीहोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है, तो वो किस दुनिया और किस परीक्षा की बात कर रहे हैं, वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। और लगातार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता शिवराज की गिनती की जाती है। इसका ये मतलब है कि अब आप भी सोचिए इसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब ये है कि मोदी को आगे बढ़ाने के लिए अब केवल सहयोगी दलों का मुंह नहीं ताकना है, अपने उन साथियों का भी मुंह ताकना है, अपनी पार्टी के जिनकी राजनीति को खत्म करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिन नेताओं को उन्होंने अपमानित किया तो खड़ी खड़ी मोदी को याद दिलाएंगे कि आपको हमारा एहसानमंद होना चाहिए। तो आज पूरा दिल्ली लगातार पूछिए मोदी की ऐसी हालत ऐसी, सबसे ज्यादा जो खुश कौन होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने दिल्ली वालों को संदेश भिजवा दिया लखनऊ से कि यूपी में सारा खेल मोदी की वजह से बिगड़ा है, लोगों की मोदी से नाराजगी ने भाजपा का खेल बिगाड़ दिया, मेरी वजह से नहीं। तो मानकर चले कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान ने जो आवाज उठाई है, या कहिए जो उठवाई है, उसमें बहुत सारी आवाजें और जुड़ने वाली हैं, और ये आवाजें मोदी के कानों में रोज चिल्लाएंगी कि आप हमारी वजह से हम आपकी वजह से नहीं बने हैं, आप मेरी वजह से प्रधानमंत्री बने। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।